कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सभी देश के भावी फौजियों के लिए एक बड़ी और अच्छी अपडेट लेके आया हूं, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज को लेकर काफी नौजवान है वो परेशान हो रहे थे कि सर जितनी वैकेंसी आनी थी उतनी वैकेंसी नहीं आई है, और अब आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज होगी तो कौन कौन सी फोर्सों में सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोगों को इंक्रीज होने को इस बार मिल सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा जो वैकेंसी आप लोगों को बताई गई है वो एक टेंटेटिव वैकेंसी है, और एसएससी ने पहले ही बता दिया है कि इस वैकेंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और आप सभी ने देखा होगा पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट आए हैं टाइम टू टाइम सभी वैकेंसियों को यहां पर इंक्रीज किया गया। दूसरी एज सिलेक्शन को लेकर काफी नौजवानों के कमेंट आ रहे हैं, तो एज सिलेक्शन को लेकर भी बात करने वाले हैं कि इसके लिए भी हमें एक बहुत बड़ा कैंपेन यहां पर रखने जा रहे हैं ताकि उन नौजवानों को भी मौका मिल सके जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 25 दिन की वजह इस बार एसएससी जीडी के इस शानदार रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहने वाला है। तो सभी नौजवान हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक यह महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच जाए। देखो आप सभी को पता है एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और तय समय पर ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिला है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों का शुरू हो चुका है। 20 फरवरी आपकी जो एग्जाम है डेट है वो फिक्स हो चुकी है, मतलब कंफर्म है कि 20 तारीख से ही आपका एग्जाम शुरू होगा, क्योंकि एसएससी का नया कैलेंडर भी आ चुका है। जुलाई अगस्त में फिर से नया रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा और वैकेंसी 84,000 से ज्यादा वैकेंसी खाली है। और अभी दोस्तों सूत्रों से जो जानकारी पता चला है उसमें पता चला है कि जुलाई से पहले पहले सीआरपीएफ में 1 लाख से ज्यादा जवान है वो रिटायर्ड होने वाले, जबकि 29,000 से ज्यादा वैकेंसी अभी भी सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पदों पर खाली पड़ी है। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज माना जाता है, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज की आप वैकेंसी देख रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना फोर्सेज है और सबसे ज्यादा वैकेंसी आपने देखा होगा पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट आए हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ में ही देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो गया, सीआरपीएफ में जितनी वैकेंसी आनी थी उतनी वैकेंसी नहीं आई, लेकिन सीआईएसएफ में काफी बड़ी वैकेंसी आ गई। तो सीआईएसएफ में भर्ती होने वाले, क्योंकि हर एक नौजवान का सपना रहता है, कोई बीएसएफ को लाइक करता है, कोई सीआरपीएफ को लाइक करता है, कोई सीआईएसएफ में भर्ती होने को, तो यहां पर जो सीआईएसएफ के जो बच्चे हैं जो सीआईएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए वैकेंसी 11,000 के लगभग आई है। मतलब ये कंफर्म है कि सीआईएसएफ में अभी आपकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी, जितनी वैकेंसी आई है सारी अपडेट होके ही आई है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की बहुत ही कम वैकेंसी आई है, 3,337 वैकेंसी। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अभी आप लोगों की लगभग आप 10 से लेकर 15,000 वैकेंसी और भी इसमें ऐड हो सकती है, और ये आप लोगों की कभी भी हो सकती है। हो सकता है एग्जाम के बाद में वैकेंसी ऐड हो जाए, पिछले रिक्रूटमेंट में आपने देखा होगा 25,000 के लगभग वैकेंसी आई थी लेकिन बाद में वो 50,000 हो गई थी, तो जो युवा तैयारी कर रहे थे उन सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, भाई वैकेंसी डबल हो गई तो सिलेक्शन वाले बच्चों का चांस भी डबल हो गया। तो ऐसे ही इस बार वैकेंसी आप लोगों की इंक्रीज होने वाली है। मान के चलिएगा कि सीआरपीएफ की अगर मैं बात करता हूं तो सीआरपीएफ में 10,000 से लेकर 15,000 वैकेंसी अभी ऐड होना बिल्कुल 100% ऐड होने के चांसेस है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो एसएसबी, बिल्कुल एसएसबी की बात करता हूं, नॉर्थ ईस्ट के प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं और इसमें वैकेंसी जितनी अपडेट होनी थी उतनी वैकेंसी नहीं आई, मात्र 635 वैकेंसी है। और नौजवान आप सभी ने देखा होगा 691 वैकेंसी तो ट्रेडमैन की भी आई हुई है, लेकिन कांस्टेबल की इतनी कम वैकेंसी कैसे आई है? तो अभी इसमें वैकेंसी ऐड नहीं हुई है भाई, इसमें वैकेंसी और भी आप लोगों की ऐड होने वाली है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये 635 की जो वैकेंसी है लगभग 5,000 तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर यहां पर बात करता हूं तो असम राइफल में भी आपकी वैकेंसी अभी इंक्रीज हो सकती है। ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूं तो 20,000 वैकेंसी अभी और आप लोगों की बढ़ने वाली है, मतलब ये वैकेंसी 45,000 से 50,000 के लगभग जाने के चांसेस है। तो अभी आपको केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन पर फोकस करना है। एज इलेक्शन को लेकर काफी नौजवान परेशान हो रहे हैं कि सर मैं 10 दिन 20 दिन 1 महीने की वजह से एसएससी भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहा हूं, तो उनके लिए भी एज इलेक्शन को लेकर एक बहुत ही बड़ा यहां पर है कैंपेन यहां पर रखा गया है ताकि उन सभी नौजवानों की मांग है वो भी सरकार तक रखी जाए, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है और अगर आप सभी का सपोर्ट मिला तो बिल्कुल आपको एज इलेक्शन भी भाई मिल सकती है। कितनी मिल सकती है और क्या क्या करना है वो भी मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं
जितने भी नौजवान हैं, क्योंकि एग्जाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है और आप सभी को पता है ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म स्पेशल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच लेके आता है जो कि एसएससी जीडी और पैरामिलिट्री फोर्सेज को समर्पित है। अभी आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हमारा जो टारगेट बैच है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको बर्मास्टर बैच जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासे मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो जॉब करते हैं या फिर कॉलेज वगैरह करते हैं जिसकी वजह से वो लाइव नहीं ले पाते, तो लाइव के साथ में आपकी क्लासे रिकॉर्डेड एप्लीकेशन में सेव होती रहेगी। जब आपको समय मिले तब आप क्लासे ले सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज मिलेगी, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह कि ये सब कुछ नए पैटर्न पर आधारित है और संपूर्ण कोर्स आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। जो आपको 499 दिख रहा था वो भी अब कम करके 60% की छूट कर दिए, ताकि हर एक वो बच्चा जो एसएससी जीडी में भर्ती होना चाहता है और 999 रुपए के कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उन सभी के लिए मात्र 399 रुपए में पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल आप 24 आवर्स इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करती रहेगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी नौजवान है जो बुक को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर बुक भी बता दीजिएगा, मैंने कोर्स तो ले रखा है मैं बुक्स भी साथ साथ में पढ़ता रहूं, तो आप लोगों के लिए भाई चक्षु पब्लिकेशन की गाइड भी मार्केट में आ चुकी है। ये एक स्टडी गाइड है और ये दूसरा आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट है। दोनों ही बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और शानदार जानदार जिंदाबाद कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी एज इलेक्शन को लेकर। देखो एज इलेक्शन को लेकर अभी आप लोग हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे हम एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन रखने जा रहे हैं और इस ट्विटर कैंपेन का जितने ज्यादा नौजवान हिस्सा बनेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ऐसा होगा नहीं कि 200, 400, 500 या 1000, 1500 बच्चों ने ट्वीट कर दिया और आपको उसका एज का रिलेक्शन मिल गया, ऐसा नहीं होगा। आपकी आवाज है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार तक अगर आपको आवाज पहुंचानी है तो भाई आपको कम से कम 40 से 50 हजार युवाओं को तो ट्वीट और रीट्वीट करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों तक आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये 5 दिसंबर 11 बजे वाली अपडेट है ये सभी नौजवानों तक पहुंच जाए। आपको ट्वीट क्या करना है तो ये भी आपको याद रखना है, हैशटैग लगा के करना है ट्वीट। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, हैशटैग लिखना है, उसके बाद में एसएससी लिखना है, उसके बाद में यहां पर डेस लगाना है, उसके बाद में एज इलेक्शन, एज रिलेक्शन, ये आपको लिखे ट्वीट करना है, ये आपको लिख के ट्वीट करना है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। याद रखना 5 दिसंबर का 11 बजे आपको लगातार ट्वीट और रीट्वीट करना है, तभी आपको ये आपकी मांगे हैं ये सरकार मान सकती है। अगर 2 साल की भी एज में रिलेक्शन अगर आपको मिली तो काफी नौजवानों को इस बार मौका मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं किया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। साथ में बता दूं आज आप लोगों के लिए शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर एसएससी जीडी का पिछली साल का ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाया जाएगा। तो भाई शाम वाली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज 7:15 पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाया जाता है जो कि पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो शाम वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन क्लासों का मिलता रहे। उसके साथ ही टेलीग्राम पे इनकी पीडीएफ्स भी आपको मिलती है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके बाबू बेस्ट एग्जाम बाय बाबू फौजी है वो सर्च करना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।